अब जी हमने बड़ी कोशिश करी कि ये कैमरा स्कोप पे अगर लगाएं तो वो शॉट रिकॉर्ड हो जाए जैसे GTA में किसी गेम में दिखाई देता है, एंगल लेते हुए, टारगेट लेते हुए बंदा। अब यहाँ से करते हैं तो एज यू कैन सी बड़ा काला दिखता है, क्योंकि स्कोप बने इस तरीके से है कि इनको जो है ना एक थोड़े से डिस्टेंस से देखा जाए, क्योंकि आमतौर पर बंदा अपनी चीख जो है बट पर रखता है। लाइए पीछे ज़रा दिखाएं कैसा आता है। अब पीछे रहें तो प्रॉब्लम ये होती है कि फिर पूरा स्कोप ही दिखने लग जाता है। तो अब हमें बनानी है पूरी कस्टम शूटिंग रेंज। एज यू माइट हैव नोन, मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया कि पूरा एक बढ़िया सेटअप पे अलग अलग तरह के टारगेट हो, क्योंकि जगह अपने यहाँ पे बहुत सारी है, मगर वो वीडियोस बनाने का फायदा ही नहीं आएगा जब तक मैं आपको ये ना दिखाऊं कि कैसे हम जो है अपना क्रॉसहेयर को फर्स्ट क्लास छोटे से टारगेट पे फिट करते हैं जो कि वहाँ पे पड़ा है और फिर धाय धाय करके उड़ाते हैं। तो इसलिए आज का हमारा प्रोजेक्ट ये है कि हमने कुछ एक ऐसा माउंट बनाना है जिससे इतना डिस्टेंस मेंटेन रहे कि जो लेंथ होती है वो भी बनी रहे और कैमरे के अंदर पूरा व्यू कैप्चर कर लें शूट होता हुआ, स्कोप व्यू, ताकि एकदम फुल GTA वाली फील ली जा सके। हाँ जी, तो फाइनली घर से तो निकलने लगे हैं और स्कोप मैंने उठा लिया है क्योंकि इसी की साइज़ की आइटम चाहिए होगी। देखते हैं कोई टॉयलेट रोल टाइप प्लम्बिंग सेक्शन के अंदर कोई PVC पाइप का हिस्सा मिल जाए, काट पीट के कैसे बनाए ताकि इससे इतना डिस्टेंस आ जाए ताकि ये आँख पे सेट हो, फ़ोन कवर लग जाए, इसके अंदर कैमरा सेट हो जाए, ताकि काम जो है सस्ते में अपना फर्स्ट क्लास हो जाए। क्योंकि अगर ये इसका माउंट लेना हो $50-60-70 से शुरू होते हैं, आने में भी 1.5-2 हफ्ते लग जाते हैं। यार मैं ये कह रहा था आपसे, मेरे को ऑफिशियली 2 हफ्ते हो गए इधर आए हुए, पता नहीं लगा यार टाइम का, पता नहीं लगा बिल्कुल भी टाइम का, और 2 हफ्ते में कोई सिम्टम आया नहीं है मुझे। तुम्हें ऑफिशियली कोविड फ्री हो, इसका मतलब तेरे को वायरस नहीं लगा हुआ था, ये तो पक्का हो गया, पक्का हो गया। तो मैं भी सेफ हूँ, आप भी सेफ हो, इसका मतलब समझता है तू? इसका मतलब ये है कि हम नानी माँ को अभी ला सकते हैं। ओह यस, और नानी माँ के आते ही बनेंगे परौंठे आलू प्याज के, छोले भटूरे मम्मी। तो और सबसे बड़ी बात मेरे को बताऊं क्या, आज मंडे से, आज से ऑफिशियली क्वेबेक में रूल आ गया है कि अप टू 3 families कैन गैदर एट 1 place, तो इसलिए मम्मी को लीगली अब यहाँ लाया जा सकता है। वेरी गुड, तो जरा हम अपनी शूटिंग रेंज सेट कर ले, उसके बाद जरा मम्मी को बुलाएंगे, फिर निशानेबाजी का कॉम्पिटिशन हो जाए, ये बड़ा पॉपुलर हार्डवेयर स्टोर है, अमेरिकन है जहां तक मेरा ख्याल है, रोना क्वेबेक में मैंने ज्यादा देखा है। और इसके अंदर जाके अपन जाएंगे सीधा पाइप सेक्शन में, क्योंकि अपने को कंपार्टमेंट कुछ इस तरीके का चाहिए ना, तो जाके जरा बंदोबस्त करते हैं, होपफुली लाइन ना लगी हो, क्योंकि यहाँ पे कोविड के चक्कर में ऑलमोस्ट हर जगह ही बार लाइन लगी होती है, क्योंकि लोग हाथ धो के और सैनिटाइज करके मास्क वास्क पहन के अंदर जाते हैं। हमने भी जरा मास्क मूस्क रेडी कर रखे हैं अपने, लगा लें और हैंड सैनिटाइजर लेके। और हार्डवेयर स्टोर्स यहाँ पे एक्चुअली क्योंकि बहुत बड़े बड़े होते हैं, इनके अंदर जाके मज़ा बड़ा आता है, क्योंकि आपको कई सारी चीज़ें, कई तरह के टूल दिखते हैं, तो मन करता है ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, सुंदर सुंदर बड़े होते हैं कि कुछ ना कुछ बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। यार ये देखिए उन्होंने कितना बढ़िया होममेड जुगाड़ बनाया हुआ है, PVC की पाइप लगाई हुई है, ऊपर कन्वर्टर लगाया हुआ है, L-ब्रैकेट जो हम सोच रहे हैं शूटिंग रेंज पर टारगेट टांगने के लिए, और नीचे कंक्रीट का स्लैब है, ये सारे यहीं मिलते हैं। अच्छा है ये भी जुगाड़। तो जी स्कोप ले लिया और सीधा हार्डवेयर सेक्शन में जाना है। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह का सामान मिलता है, इंटीरियर हो गया, प्लम्बिंग से रिलेटेड हो गया, टाइल्स हो गए, तो इसलिए बस प्लम्बिंग सेक्शन की तरफ। ब्रो कुछ थोड़ी ऐसी पाइप टाइप ढूंढते हैं, यहाँ पे पड़ा हुआ ये बढ़िया पाइप सेक्शन, मेरे ख्याल से ये अगर लग जाए ना इस पे,
यार ये मेरे ख्याल से ना एक तो कोई पाइप ज्यादा टाइट होगी ज्यादा लूज होगी इसको उतारने में हमारे स्कोप पे बार बार स्क्रैचेस पड़ेंगे। ये तो है कुछ रबर का जो कनेक्टर टाइप नहीं आते जो दो वर्टिकल पाइप भी तो कनेक्ट भी तो होती है ना तो प्लास्टिक के कनेक्टर पड़े हैं वहाँ पे फ्रंट कौन सी है यही है ठीक है सही लगाया ओ यस ये तो यहाँ से टाइट भी हो जाएगा बस अब इसके पीछे कोई कैप लगा लेते हैं और फिर ताकि फोन इस पर टिकाने का कुछ बंदोबस्त हो जाए। कैप क्या लगता है कहाँ मिलेगी? यही ये पाइप सेक्शन में मिलनी चाहिए कहीं ना कहीं। और यार ये एक नंबर बिल्कुल बढ़िया चीज है। ऑरेंज कलर का भी है, ब्लैक कलर का भी है। पर ये एक बाय चार नहीं, एक बाय दो है, यानी थोड़ी सी बड़ी है। लगा के देख, लगा के देख। अब जी आइडिया तो ये था कि कपलिंग को स्कोप के एक्सटेंशन की तरह यूज करेंगे और फोन कैप पे एज कैमरा स्क्रू कर देंगे, बट उसके लिए इनका परफेक्टली एक दूसरे पे और फिर स्कोप पे फिट होना जरूरी था और ये दोनों काम बन गए। यार मजा सा आ जाता है इसी जगह पे आके, है ना, कुछ मन करता है सारा उठा लो घर जाके कुछ बनाए। ये स्पीकर इतने बढ़िया लग रहे हैं। ये स्पीकर है तेरी की कंस्ट्रक्शन वालों के स्पीकर क्या बात है। मशीनें देख यार, ये आइटम ना हमको एक ड्रिल किट चाहिए बढ़िया पूरी प्रॉपर लेके जानी है अपना ताकि हम अपनी जो शूटिंग रेंज इन्हीं चीजों से बनाए। बट वी विल कम बैक फॉर दिस लेटर। छोटी सी प्यारी सी एक होती है इम्पैक्ट ड्रिल, एक होती है नॉर्मल ड्रिल, दोनों लेनी है। दोनों ले लेंगे बट अभी फिलहाल जरा उसका काम निपटाएं क्योंकि ये हम अलग से रखेंगे काम शूटिंग रेंज शुरू करने के लिए। यहाँ पे ना एक्चुअली क्योंकि पेच वेच इतने सारे पड़े होते हैं ढूंढना बड़ी मुश्किल होती है, मगर वैरायटी इतनी होती है मजा आता है। कोई भी आइटम चाहिए हो ना मिनट बट यहाँ मिल जाती है। और फिर सारा सामान इकट्ठा करते हुए हम पहुंचे अपने अड्डे पे। फिर पहला स्टेप था स्कोप को डिसमेंटल करना, जो कि सिर्फ एलन की घुमाने से हो जाता है। तो जी बेसिकली हमने ये लगा लिया। अब इससे होता क्या है कि एक तो इसमें पेच है एज यू माइट हैव सीन, तो इसे थोड़ा स्क्रू टाइट हो जाता है, ये चीज़ सॉलिड हो गई है, इसको कभी भी निकाल सकते हैं। प्लस मेन बात ये हुई है कि इसको यहाँ लगाने के बाद आम तौर पे डिस्टेंस लगभग उतना ही बन जाएगा जो एक आँख से बनता है अगर ची क्या रखे, तो इसीलिए आई थिंक दिस इज़ परफेक्ट। अब इसके अंदर हम लगा के देखते हैं कि कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा, और अगर पड़ा है तो फिर इसके ऊपर कुछ परमानेंट कैमरा कैसे माउंट करना है वो जुगाड़ करते हैं नेक्स्ट। यार ये तो काम हो गया हाँ। बट इसको परमानेंट करना है ना कि फोन हमेशा कैमरा जो है सेंटर में रहे इसके। यस उसी तभी तो लाइन ऑफ साइट सीधी रहेगी, तभी तो लाए हैं ऑरेंज टोपी निकालो। अब इस पे हमारा विचार है आगे का काम करने का। जी फेज वन में ये तो समझ आ गई है कि कैमरा हमें कहाँ प्लेस करना है, बट आईफोन में क्योंकि दो तीन कैमरा होते हैं तो हम 2x वाले कैमरे पे लगा रहे हैं ताकि व्यू सही से आए। बट अब आगे का स्टेप ये बाऊजी कर रहे हैं। हाँ जी ये हम ऑरेंज टोपी लाए हैं ना, इसमें हम सेंटर में बिल्कुल होल करेंगे ठीक है, ताकि कैमरा जब इधर से देखे तो बिल्कुल सेंटर से ही लाइन ऑफ साइट रहे उसकी। हाँ। जो अंदर क्रॉस हेयर है फिर वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए ना। तो इसके अंदर अब हम छेद करने लगे हैं, फिर यहाँ पे फोन टिकाएंगे उसको उसके ऊपर लगाएंगे, होपफुली काम हो जाएगा। उसके बाद थोड़ी एंटाबाजी। बाबू जी ये तो काम हो गया, इसमें आप देख के मजा ले रहे हो नजारे, मगर असली परीक्षा तो तब पास होगी ना जब ये इसके ऊपर फिट बैठेगा और हमें क्रॉस हेयर और हर चीज बिल्कुल एक्यूरेट नजर आएगी। तो सर लगाइए 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 फिट कीजिए।
अब मेरा कवर सिलिकॉन वाला इंडिया से लिया था, वैसे ही पुराना हो गया, तो इसलिए इसका बलिदान दे रहे हैं। 11 का मैंने मंगवाया था कि बाय चांस आईफोन 11 लेंगे इंडिया से, क्योंकि यहाँ पे $50-$50 के कवर आते हैं, वो तो अभी आया नहीं फ़ोन, तो इसीलिए अब ये टेनिस पे लगा लेगी, कवर सेम है, अब आगे का काम करते हैं। मगर ये देख रहे हैं मच्छर, यहाँ पे जी ये डिस्को डांडिया चल रहा है, क्योंकि मच्छरों ने जीना हराम कर रखा है यहाँ पे। मगर अपना सेटअप फाइनली तैयार हो गया है, तो इसलिए ज़रा अब इसको ज़रा इन एक्शन टेस्ट करने का टाइम आ गया। नीचे क्ले हमने वो जो होती हैं छोटी छोटी डिस्क रखी हैं, उड़ा के देखते हैं। तो जी फाइनल तैयारियाँ हो गई हैं, तकरीबन 50 गज की दूरी पे बाबू जी खड़े हुए हैं, उतो दी गोली चलावांगे। यहाँ पे हमने ये क्ले के टारगेट लगाए हुए हैं, आइडली छर्रा लगते हैं, इनके चिथड़े उड़ जाने चाहिए। यहाँ से स्लो मोशन पे कैमरा रिकॉर्ड करेगा और ऊपर से स्कोप का व्यू लिया जाएगा। बाबू जी इस बार ध्यान से, क्योंकि इस बार नीचे आपका फोन लगा हुआ है, ठीक है? ओके, फायर इन द होल। पहला छर्रा मिस हो गया है और कहाँ घुसा है, तो इसका मतलब अगर ये लकड़ में धस सकते हैं तो कोई बंदा हो तो उसकी स्किन में भी धस सकते हैं, आंख भी उड़ा सकते हैं। इसीलिए एयर गन जो होती है, किसी असली बंदूक के सामने तो खिलौना है, बट असल में ये खिलौना नहीं है, इसको खिलौने की तरह नहीं ट्रीट करना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, एवरी सिक्योरिटी प्रिकॉशन हैज टू बी एक्सरसाइज्ड। कहाँ मार रहा है यार, सारी प्लास्टिक का स्टैंड ही तोड़ता जे यार निखिल। या तो बंदूक बहुत स्ट्रॉन्ग है या निशाना गलत है, एक तो काम हुआ है, स्टैंड टूट गया। अब कोई नहीं, अब जरा हम कैन लगा के करते हैं, जरा उसका भी नजारा ले लें। तो जी फाइनली हमारा ये काम तो निपट गया, हमारा स्कोप कैम भी रेडी हो गया और अब आगे टाइम है पूरी फुल एंड फाइनल वुडन बढ़िया सी अपनी हैंडमेड क्राफ्टेड शूटिंग रेंज टाइप सेटअप बनाने का, और वो सब हम करने वाले हैं। बहुत बढ़िया टूल्स ला के उन्हें यहाँ पे सेट करेंगे, कम से कम भी 70 yards की दूरी से निशानेबाजी की प्रैक्टिस। बट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, आगे की मज़ेदार वीडियोज़ मिलती रहेंगी।